Hello everyone, welcome to our channel Be Amazed. वैसे तो दुनिया में हजारों नदियां हैं जो किसी न किसी समुद्र से जुड़ी हुई है। बरसात का सारा पानी इन नदियों के द्वारा ही समुद्र में जाता है। हालांकि कुछ नदियां धूप के कारण सूख गई है, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं रहा। आज हम जिन नदियों के बारे में बता रहे हैं, उनमें काफी अधिक मात्रा में पानी है और इनकी गिनती वर्ल्ड के बिगेस्ट रिवर के रूप में होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील है। यह अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट देशों में बहती है। इसकी लंबाई 4132 मील यानी 6650 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से हुआ है। यह विक्टोरिया झील से निकलने के बाद अफ्रीका के पूर्वी भाग से होते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जिनमें श्वेत नील एवं नीली नील मुख्य है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी की घाटी में हुआ है। अमेज़न साउथ अमेरिका। अमेज़न दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। साउथ अमेरिका में बहने वाली इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो बारिश के दिनों में यह 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इस तरह यह दुनिया की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। यांगची नदी, चीन। चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यह चीन की भी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। चीन के इस नदी को चांगचियांग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका के महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी है। यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। इसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी मिसौरी है, इसलिए इसे मिसिसिपी मिसौरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस नदी को बड़ा बनाने में जेफरसन रिवर का भी अहम रोल है, जो मिसौरी की सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी का स्रोत इटास्का झील को माना जाता है। येनिस अंगारा सेलेंगे रिवर। येनिस अंगारा सेलेंगे नदी दुनिया की पांचवी सबसे लंबी नदी है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह तीन नदियों का समागम है। इस रिवर की लंबाई 5,539 किलोमीटर है, जो मुख्यतः रूस के कई भागों में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थान मंगोलिया के मध्य में है और मंगोलिया के मध्य भाग में बहती हुई रूस में पहुंचती है और रूस के कई भागों से होती हुई आर्कटिक महासागर में समाहित हो जाती है। येलो नदी, चीन। हुआंगहो या येलो नदी चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। इसकी लंबाई 5,464 किलोमीटर है। इसे विश्व की सबसे गहरी नदी माना जाता है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में सातवां स्थान रखती है। इसका उद्गम स्थान चीन में होता है। यह चीन के तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चिमायुंग द्वार नामक हिमवा से शुरू होती है। यह चीन पूर्वी भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है, तो हर देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह चीन से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओब इर्टिस नदी, रूस और कजाकिस्तान। ये नदी रूस और कजाकिस्तान में बहती है, जिसकी लंबाई 5,410 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान रूस के अल्ताई क्राई प्रदेश के वियस्क शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बिया नदी और कुतुन नदी के संगम से माना जाता है। रूस से शुरू होने वाली यह नदी कजाकिस्तान में भी बहती है। यह तीसरी सबसे महान साइबेरियाई रिवर मानी जाती है। पराना रिवर।
यह नदी साउथ अमेरिका में बहती है। पराना नाम का अर्थ समुद्र जैसा विशाल होना है। साउथ अमेरिका में यह अमेज़न के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 4,880 किलोमीटर है। यह ब्राजील, पेराग्वे, अर्जेंटीना से बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। कांगो रिवर। कांगो नदी, जो ज़ाइरे नदी के नाम से भी जानी जाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 4,700 किलोमीटर है। नील नदी के बाद अफ्रीका में यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपने मुहाने पर 7 मील चौड़ी होकर समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी से काफी मात्रा में कीचड़ समुद्र में जाकर गिरता है। अमूर अर्गुन नदी। इसे मुख्यतः अमूर नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 4,444 किलोमीटर है। चूंकि यह रूस और चीन की सीमा पर भी बहती है, ऐसे में यह नदी चीन और रूस के बीच जमीन के लिए हुई झड़प में अहम भूमिका अदा करती है। यह झड़पें 17वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जो 20वीं शताब्दी तक चली थी। इस नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों में सिल्का नदी और अर्गुन नदी के मिलाप से 303 मीटर की ऊंचाई पर माना जाता है।